Hi guys, this is GR and you are watching Work at Our Job Helpful. Friends, बहुत सारी जॉब एक साथ में बहुत सारी जॉब्स कहने का मतलब है जो प्रेजेंट टाइम में अभी रनिंग चल रही है वैकेंसीज कौन सी फुल हो गई है फिल्ड हो गई है और कौन सी खाली है जो चल रही है उसकी लास्ट डेट क्या है उसकी अपडेट्स आज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक एंड तक बने रहिए और पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए इसको। पूरा वॉच करने के बाद, देखने के बाद ही कॉल करें कि कौन सी वैकेंसी भी प्रेजेंट टाइम में खाली है और कौन सी फुल हो गई है, ताकि जो आप बार बार फोन करते हैं आपको तकलीफ ना हो। कभी कभी जो है पुरानी, तीन तीन महीने पुरानी जो है वीडियो भी देख के लड़के लोग कॉल करता है कि सर ये वैकेंसी चल रही है क्या, मुझे उसमें अभी काम करना है। किचन स्टाफ का हुआ, लाइक जो पेट्रोल पंप का हुआ, तो काफ़ी ऐसी जॉब्स है जो पुरानी है काफ़ी, लाइक 3 महीना 4 महीना। वो क्या रहता है कि एक्चुअल में वीडियो डिलीट नहीं होता है यूट्यूब पे, वो कंटिन्यू रहता है, बना रहता है। लेकिन जब वो वीडियो कोई देखता है 3 महीने 4 महीने पुराना, तो कैंडिडेट्स जो है अब कॉल करता है सर मुझे इस जॉब में अप्लाई करना है। तो उसी के बारे में पूरा आज आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जॉब्स के बारे में है जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके बारे में। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को टच कर ले, ताकि आपको नई नई जॉब्स की अपडेट्स हम लोगों की तरफ से जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एचआर पोस्ट की। एचआर पोस्ट की वैकेंसी अभी चल रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकता है जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, जो एचआर में 1-2 साल का काम कर चुका है पहले ऑलरेडी, और ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। एज लिमिट इसमें कुछ फिक्स नहीं रहती, अगर वो 45 इयर्स 50 इयर्स का भी है तो इसमें कंपनी आपको लेती है, क्योंकि एचआर पोस्ट के लिए जो अच्छी अच्छी जो है बड़ी बड़ी पोस्ट की होती है उसमें जो है एज लिमिट फिक्स नहीं होती है। सैलरी इसकी रहती है 18 से लगाकर 25, 27, 30 तक इसमें सैलरी रहती है। यस, 30,000 इसमें सैलरी रहती है, क्योंकि एचआर का काम जो रहता है बड़ा डिफिकल्ट काम रहता है, बड़ा जो है रहता कठिन काम रहता है। मतलब तिनके की तरह चुन चुन के कैंडिडेट्स को जो है हायरिंग करनी पड़ती है, उसको जो जॉब्स दिलवानी पड़ती है, कैंडिडेट्स को फोन करके बुलाना पड़ता है। काफ़ी माता बच्ची रहती है इस जॉब में और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब्स रहती है इसमें। जो मैं पहले बताया कि लोकल लैंग्वेज कंपल्सरी रहती है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो रहता है वो लोकल से रहता है। कंपनी जो रहती है वो है कावेरी इवेंट्स एंड मैनेजमेंट के लिए। वैकेंसी रहती है इसमें जो है 5 से 10 एचआर पोस्ट था, अभी इसमें 2 से 3 जो है खाली पोस्ट चल रहा है अभी। तो जो जो बंदा कैंडिडेट्स का इंटरेस्टेड है वो बंदा अपना रेज्यूम शेयर करे पहले और व्हाट्सएप पे मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन एचआर पोस्ट करके टाइप करके भेजे। ओनली फॉर लोकल कैंडिडेट्स, भाई लोकल कैंडिडेट्स मात्रा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मात्रा अप्लाई मार बेको सही ना। नेक्स्ट जॉब जो है अभी कपड़े का फैक्ट्री का, इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों हैं, अनपढ़ के लिए भी इसमें जॉब्स है। मैं ये वीडियो 2 दिन पहले और डाला था, उससे पहले भी मैंने एक बार जो है डाला था, इसकी लास्ट जो है डेट 10 तारीख है। मैंने वैसे क्लियरली 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें क्लियरली आपको बताया हुआ है उसमें डेट क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, काम क्या रहेगा, एवरीथिंग मैंने उसमें मेंशन कर रखा है। फिर भी मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि 18 से लगाकर 25 साल तक जो है इसमें फ्रेशर को लिया जाता है। 11 से लगाकर 13,000 सैलरी रहती है, खाना पीना रूम फ्री रहता है, ESI रहता है, नो PF रहता है, ठीक है, 1 घंटा डेली OT मिलता है। ये रहा फ्रेशर के लिए। एक्सपीरियंस के लिए 11 से 15 सैलरी रहती है, सेम फैसिलिटी रहती है, खाना पीना रूम फ्री रहता है, प्लस ESI रहता है, PF नहीं रहता है, और उसको भी जो है एवरी डे 1 आवर्स 1 घंटा OT मिलती है। जो OT का अमाउंट होता है वह 100 से लगाकर 120 रुपये रहता है। अगर आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, हिंदी वाले है, कन्नड़ा वाले है, कोई भी लैंग्वेज इसमें चलता है, लड़का और लड़की दोनों रहता है, रहना और खाना दोनों फ्री रहता है। अब इसमें क्या रहता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं, कॉल्स करते हैं क्या सर सुबह में जो मुझे चाय में जो है बिस्किट मिलेगा क्या, सर खाना कितने टाइम मिलेगा, सर जो है मुझे दोपहर के टाइम ये मिलेगा क्या। तो गाइस,
वो सब चीजें थोड़ा अलग से रखो, क्योंकि हम लोग एक काम पे जा रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, हम लोग जो है अपने घर पे नहीं है। वहां पे वही खाना दिया जाता है जो बाकी लोगों को दिया जाता है। वहां मेंस रहता है, मेंस मीन्स कैंटीन रहता है, एक 500 आदमी 1000 आदमी का कैंटीन रहता है। जो कैंटीन में खाना बनता है 1000 आदमी के लिए, वो खाना आपको दिया जाएगा, कुछ आपके लिए स्पेशल नहीं दिया जाएगा, ना ही उनको स्पेशल दिया जाएगा आपको छोड़ के। रहा खाने की टाइम, तो भाई 3 टाइम तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। अगर 3 टाइम खाना नहीं मिलेगा तो फिर आप काम कैसे करेंगे? एक दो टाइम खा के कोई काम करेगा क्या? और अगर एक दो टाइम खाना देगा तो वहां लड़का कौन टिकेगा? 1-2 महीना काम करेगा, भाग जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कॉल करके ये ना पूछे कि सर वहाँ बिस्किट मिलेगा क्या, सर वहाँ पे चाय मिलेगा क्या, वहाँ पे सर फैन की व्यवस्था है क्या, वहाँ टॉयलेट कैसा है। तो ये सब जो है काम करने वाले जो बंदे रहते हैं ना, वो सब बातें नहीं करते हैं। जिसको काम की जरूरत रहती है वो आता है, काम करता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, हम लोग के पास कोई चार्जिंग नहीं रहता है। लड़का और लड़की दोनों जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है फैक्ट्री के लिए, कपड़े वाले के लिए। जॉब्स लोकेशन इसमें केरला। कंपनी का नाम और एड्रेस मैं सबको भेज देता हूँ ऑलरेडी, जो जो मुझे आधार कार्ड भेजता है मैं उसको भेज देता हूँ। 10 तारीख इसमें लास्ट दी हुई है। फ्रेंड्स अगली बात बारी है जो है, अगला जो है जॉब्स है वो है मार्केटिंग के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स मार्केटिंग के लिए। वो भी अभी वैकेंसी चल रही है। इसमें 4 से 5 वैकेंसी थी सिक्योरिटी ऑफिस के लिए, मार्केटिंग करने का, लीड जनरेट करने का एक पोस्ट था। 5 से 6 जो वैकेंसी थी, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। 3 कैंडिडेट्स आउट ऑफ स्टेशन से आ चुके हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें लैंग्वेज कौन सी भी चलती है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स अगर चाहती है, वो चाहती है कि मुझे हाई सैलरी में जाना है, मुझे मार्केटिंग जॉब करना है मेल की तरह, तो वो कैंडिडेट्स ये जॉब अप्लाई कर सकता है। बाइक होना इसमें कंपलसरी रहता है। जॉब टाइमिंग इसमें फिक्स नहीं रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को हैंडल करके लीड जनरेट करना रहता है। कंपनी की तरफ से एक कोटेशन दिया जाता है, क्लाइंट से मीट करना रहता है, वो कोटेशन जो है अप्रूवल करा के क्लाइंट को जो है राजी करके के 1 रुपए में या 10 रुपए में या 20 रुपए, जो भी कंपनी का कोटेशन रहता है उसमें क्लाइंट को जो ओके करवा के वो लीड, वो जो है कोटेशन कंपनी को वापस हैंडल करना पड़ता है कि सर जो है ऐसा है, XYZ जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ये नंबर है और वहाँ इतने कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। बाकी काम जो है कंपनी वाला देखता है, आपका काम उतना ही रहता है कि फील्ड में जाके एक बार क्लाइंट से मीट करना, उनको जो है अपनी कंपनी के बारे में प्रोफाइल पूरा बताना, उसको एक्सप्लेन करना आप क्या क्या जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या टाइमिंग है, आपका कोटेशन क्या है, वह सब उसके बारे में बताना और उसका फॉलोअप लेना। मान लो कोई क्लाइंट बोल दे कि मुझे 3 बजे फ़ोन करो, 6 बजे फ़ोन करो, वहाँ के मिला, तो वो सब भी करना पड़ता है, उसका सारा का सारा खर्चा कंपनी उठाती है। अगर आप जो है लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, लाइक जो है दिन भर गाड़ी चलाए और शाम तक ज़्यादा पेट्रोल कन्वेंस हो गए, तो वो भी कंपनी आपका पेट्रोल कन्वेंस कंपनी देती है। इसमें ESI भी रहता है, PF भी रहता है। सैलरी इसमें रहती है 18 से लगाकर 20 था, यस 18 से लगाकर 20 हज़ार फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं मार्केटिंग का काम करना चाहती है उनके लिए, फीमेल के लिए। इसके बाद आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में सिक्योरिटी की जॉब चल रही है अभी, उसमें भी जो है लड़के आते हैं, लग रहे हैं जो काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। सिक्योरिटी के अपने पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही कंपनी में वैकेंसी चल रही है, जिसकी टाइमिंग जो है 12 घंटा रहती है। 12 घंटा का सैलरी 11 हज़ार कंपनी देती है। 11 हज़ार सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट का बोल रहा मैं, जहाँ अपार्टमेंट फिक्स रहता है, जहाँ पे करना कुछ नहीं रहता है, आपको सिर्फ बैठ के जो है इधर उधर निगुंदा देख रेख करनी रहती है, उसका मैं जो काम का बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कंपनी में लगते हैं तो आपको अलग पोस्ट मिलती है, तो फिर उसकी अलग सैलरी रहती है। लेकिन कंपनी का रूल्स रहता है कि 12 घंटा ड्यूटी वहाँ पे देना रहेगा आपको। 12 घंटे का कंपनी जो है आपको 11 स्टार्टिंग देती है। इसके अलावा आपका डिपेंड करता है कि पोस्ट कौन सी मिलती है, उसके हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी रहती है, खाने की फैसिलिटी इसमें नहीं रहती है। खाने की फैसिलिटी जो है आप अपने हिसाब से करना पड़ता है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इसमें अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर के लिए अलग सैलरी है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए अलग सैलरी है। ऑफिस जो हमें आपको पहले बता दिया कि हुलीमाओ में हम लोगों का सिक्योरिटी ऑफिस है।
अब चौथी जो है वैकेंसी चल रही है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। ये जो जॉब चल रही है गाइस, ये जो है काफी सॉरी काफी टाइम से चल रही है, एक 6 महीना 7 महीने से इस जॉब को हो गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी में जो है कैंडिडेट्स 20 से 25 कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, फिर 10 हुए। अभी इसमें 20 से 25 कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। इसकी लास्ट टाइमिंग है दिसंबर, ये परमानेंट जॉब नहीं है, दिसंबर तक ये चलने वाली जॉब से। ये सेल्स के बारे में है, जिसको सेल्स में नॉलेज है, जो प्रमोशन प्रमोटर का काम करना चाहता है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। लोकल वाला हो या हिंदी वाला हो, लैंग्वेज इसमें सभी चलती है। एज क्राइटेरिया रहता है इससे 18 साल लगाकर 25 साल तक लास्ट रहता है। इसमें टाइमिंग रहता है 12 बजे से लगाकर, सुबह बनकर 12 बजे से लगाकर जो है 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ 5 आवर्स जॉब्स रहती है इसमें। 5 घंटे की काम रहता है इसमें, 5 घंटे का जो है आपको कंपनी 15,000 पे करती है। इसमें फैसिलिटी कंपनी कुछ भी नहीं देती है, कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है। आपको ऑफिस आना पड़ेगा सुबह में, अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर ऑफिस से आपको पिकअप करके जहाँ काम रहता है, जहाँ वर्क लोकेशन रहता है, वहाँ आपको ड्रॉप किया जाता है, वहीं से आपको वापस पिकअप किया जाता है और आपका नियर बाई लोकेशन में ड्रॉप कर दिया जाता है। इसमें मंडे मंडे जो है हॉलीडे रहता है, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है ये। तो गाइस 3 से 4 वैकेंसी भी चल रही है। पांचवी वैकेंसी चल रही है अपनी जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव की, सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग फील्ड वालों के लिए, जिसके पास बाइक है, DL है, वो बंदे के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी भी चल रही है। उसमें जो है सैलरी 18 से 20 रहती है, प्लस कंपनी पेट्रोल कन्वर्स देती है। ये टारगेट बेस्ड जॉब रहती है। इसमें जो है कंपनी अपनी तरफ से जो है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की व्यवस्था करती है, प्लस जो है इसमें पेट्रोल और सैलरी देती है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं रहती है इसमें। तो गाइस 4 से 5 वैकेंसी भी चल रही है, सबकी मैंने आपको अलग अलग एक अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग जो है जॉब लोकेशन, अलग 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 सबको जो है आपको डिटेल में समझाया है। अगर आप सेल्स में जाते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैन, सेल्स प्रमोशन, उन सब में ऑफिशियल जॉब्स में जाते हैं, तो कंपनी आपको कभी भी जो है रूम की फैसिलिटी और खाने की फैसिलिटी नहीं देती है। एक बार और, अगर आप सेल्स के जॉब्स में जाते हैं ऑफिशियल जॉब में, तो उसमें आपको जो है सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन रूम की फैसिलिटी और खाने की फैसिलिटी नहीं रहती है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोकल कैंडिडेट्स भी कॉल करके पूछ लेते हैं, सर नाउ आई रेदली दबी नमगे ये 3 वर्ष एक्सपीरियंस है, 4 वर्ष एक्सपीरियंस है, ते नमगे सर रूम फैसिलिटी स्वीकृत है, खाना फूड स्वीकृत है, तो लाइक आतरा कहने का ये कि लोकल कैंडिडेट्स भी काफ़ी जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हम लोगों को खाने की जो है फैसिलिटी में जाना है, हम लोगों का इतना एक्सपीरियंस है। तो गाइस सेल्स के मामले में ऑफिशियल जॉब्स में कभी भी जो है कंपनी अपनी तरफ से जो है खाना और रूम की फैसिलिटी नहीं देती है। अब रहा हेल्पर का काम, तो हेल्पर में जो है आपको रूम भी की फैसिलिटी मिलती है, खाने की भी फैसिलिटी मिलती है, उसमें ESI भी रहता है, उसमें PF भी रहता है, लेकिन उसमें सैलरी कम रहती है। सैलरी 18,000 20,000 25,000 उसमें नहीं देखने को मिलती है आपको। सैलरी जो है आपको 11 से लगाकर 10 से लगाकर 15, 13, 14, 15 उसके बीच में देखने को मिलेगी, लेकिन आपको खाने की फैसिलिटी, रूम की फैसिलिटी मिल रही है। ये जो जॉब्स रहती है आउट ऑफ स्टेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ लोकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही किचन स्टाफ की, किचन स्टाफ की अभी फुल चल रही है वैकेंसी, उसमें कोई भी बंदा कॉल नहीं करे किचन स्टाफ के लिए। हाँ रिक्वायरमेंट आने वाली है, हमारी कंपनी ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है कि उस जॉब्स को वापस जो है अगेन लाया जाए, लेकिन अभी वहाँ पे कंपनी में पता किया हम लोगों ने कि अभी फुल चल रहा है, अभी वैकेंसी फुल है। बीच में 4-5 लड़कियों का, कुछ 10 लड़कों का रिक्वायरमेंट आया था, तो हम लोगों ने जो अपने पास कैंडिडेट्स थे बस उन्हीं को रेफर किया था। तो जब भी जो है किचन स्टाफ की वैकेंसी आएगी हम लोग जरूर आपको जो है अपडेट करेंगे। तो गाइस 4 से 5 वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। कपड़े की फैक्ट्री की चल रही है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैन, सेल्स प्रमोटर की चल रही है, प्लस जो है इसमें हेल्पर की भी जो वैकेंसी चल रही है, HR पोस्ट के लिए भी चल रही है, सिक्योरिटी की भी चल रही है। तो गाइस जो दो बंदा जिस जिस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, वो बंदा मुझे अपना पहले व्हाट्सएप पे
हेल्पर के लिए अपना आधार कार्ड भेजें, चाहे वो आउट ऑफ स्टेशन वाले हो या लोकल वाले हों। सेकंड, अगर सेल्समैन में जाना चाहते हैं तो अपना अपना रेज्यूम भेज दें। थर्ड, अगर आप हाई लेवल के जॉब्स में जाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे रेज्यूम भेजने के बाद कमेंट्स करके नीचे टाइप करके भेजें, हाई सर आई एम इंटरेस्टेड इन HR पोस्ट, या फिर हाई सर आई एम इंटरेस्टेड इन XYZ, जो भी जो पोस्ट का आप इंटरेस्टेड है वो पोस्ट टाइप करके भेजें। पहले रेज्यूम भेजिए, बायोडाटा आपको जो है चेक किया जाएगा, आपको कितना एक्सपीरियंस है, फिर आपको जो इंटरव्यू में भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयर क्वालिफाई कर पाते हैं नहीं कर पाते डिपेंड आपके ऊपर रहता है। उसके बाद जो है आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको फील्ड में भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, क्योंकि हेल्पफुल वीडियो रहता है। और हम लोग जो है कभी भी कैंडिडेट से एक भी रुपए चार्ज नहीं लेते हैं, यस एक भी रुपए चार्ज नहीं लेते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोगों के पास जो ऐसा कॉल आता है, सर मेरे पास जो है 20 बंदा है, सर मेरे पास 40 बंदा है, मैं जो है 30 आदमी दूंगा आपको, आप मुझे कितना पैसा देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है लड़के लोगों से कभी भी एक भी रुपए नहीं लेते हैं। आपको पैसा कौन देता है? जो लड़के लोगों से पैसा लेता है वो क्या करता है कि 3,000-4,000 जॉइनिंग फीस के नाम पे या फिर ज्वाइन कराने के नाम पे, फॉर्म के नाम पे उन लड़के लोगों से 3,000-4,000 रुपए लिया जाता है। आपको 500 रुपए दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि लड़का भेजो, हम लोग आपको 1,000 रुपए देंगे। तो उसमें उसका कहाँ लॉस हुआ, उस कंपनी का कहाँ लॉस हुआ? क्योंकि वो तो कैंडिडेट जो है 3,000 रुपए ले रहा है, 3,000 ले रहा कि अगर आपको 1,000 रुपए भी देता तो फिर भी उसका 2,000 रुपए जो बेनिफिट हो रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लड़के लोगों से कुछ भी एक रुपए नहीं लिया जाता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप दोस्तों को अपने रिलेशन को हेल्प करना चाहते हैं तो फ्री का जॉब दिलवाइए। हम लोग आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन फिर हम लोग जो है लड़के लोगों से चार्ज करने लगेंगे तो वो अच्छा रहेगा क्या? अगर हम लोग चार्ज नहीं करेंगे तो आगे कंपनी क्या करेगी? उस लड़के का जो 11,000 सैलरी रहता है उसको काट के 10,500 देगा। सिंपल सा है ना भाई, जब कंपनी आपको कैंडिडेट्स का पेमेंट कर रही है, आपको लड़के भेजने का पैसा दे रही है, तो कंपनी भी तो जो वो वापस रिकवर करेगी ना पैसा। इसलिए गाइस, अगर आपके पास कैंडिडेट्स हैं 10, 20, 25, तो कभी आप अपनी तरफ से कुछ हेल्प का काम कीजिए, मदद का काम कीजिए। फ्री जॉब हम दिलवाते हैं, फ्री जॉब आप भी दिलवाइए कभी, ताकि लड़के लोगों को लगे कि नहीं यार, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वहाँ XYZ में काम दिलवाया था, बहुत अच्छा कैंडिडेट्स है, बहुत अच्छा बंदा है। पैसा देखिए आज है कल नहीं है। मान लो आप जहाँ पैसा लेके भेज रहे हैं कैंडिडेट्स को, हो सकता है वो कंपनी उस कैंडिडेट्स का सैलरी होल्ड करते 3-4 महीने 5 महीने, फिर क्या रहेगा? आप तो 500 रुपये 1,000 रुपये लेके राजी हो जाएंगे, अब बेचारा वो फंस जाएगा। तो गाइस, अगर आपके पास कैंडिडेट्स है तो मुझे रेफर करें। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कंपनी की तरफ से कि आपको कुछ गिफ्ट दिलवाने की, लेकिन अगर आप चाहे कि मुझे कैंडिडेट्स का 1,000 रुपये 1,500 रुपये मिले आगे वाले कंपनी से, मैं उसको बंदा भेजूँ, तो ये गाइस नहीं हो सकता। हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कैंडिडेट से पैसा नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ जॉब दिलवाते हैं, देते हैं और काम पे लगवाते हैं कैंडिडेट्स को। हम अपने थ्रू जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग रहता है, जो डायरेक्ट कंपनी में भेजना का रहता है, उनको डायरेक्ट नंबर देते हैं, हेल्प करते हैं। तो गाइस, वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट्स करना कभी ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।